ट्वेल्थ क्लास बटा बायो सेवर्ट नियम के अनुप्रयोग मैंने आपको कराया है, तो उसका एक डेरिवेशन कराया है, एक और डेरिवेशन मैं आपको करा रही हूँ और एक आप लोग खुद करेंगे, ठीक है। तो इस टॉपिक का नाम है परिमित लंबाई के ऋजु रेखीय धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र। परिमित मतलब फाइनाइट, जो लेंथ हमें पता है, ऐसा कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है, कोई तार है, तो उसके कारण जो चुंबकीय क्षेत्र है वो इसमें हम स्टडी करेंगे। ये डायग्राम देखिए, एक सीडी जो है ये करंट कैरिंग कंडक्टर है जिसकी लेंथ हमें पता है, इसमें जो धारा है वो है आई, आई धारा इसमें बह रही है। इस चालक तार के समीप कोई बिंदु पी है, इस पी बिंदु पर हमें चुंबकीय क्षेत्र निकालना है, ठीक है। हमने क्या किया, इस पी बिंदु से एक लंब खींच लिया पी क्यू, और ये जो पी क्यू डिस्टेंस है ये हमने माना कि ये है आर। जैसे पिछले डेरिवेशन में किया था कि लूप में हमने छोटे छोटे एलिमेंट कंसिडर कर लिए थे, वैसे ये जो तार है, चालक तार है, इसमें भी हमने एक छोटा सा एलिमेंट ले लिया ई एफ। इसकी पूरे तार की लंबाई एल मान ली, तो इसलिए ये जो छोटा सा एलिमेंट लिया ई एफ, इसकी लंबाई जो है हमने ले ली डेल्टा एल, और इसकी जो दूरी है पी बिंदु से वो है एक्स। अब ये हमने माना कि ये जो कोण है ई पी क्यू, पी बिंदु जिस पे हमें चुंबकीय क्षेत्र निकालना है, ई एफ एक छोटा सा एलिमेंट, और क्यू जो हमने लंब डाला है, तो हमने माना कि ये जो कोण है वो है फाई, और ई एफ जो एक छोटा सा एलिमेंट है, इनके बीच का जो कोण है ये ई पी एफ, ये है डेल्टा फाई, और ये कोण ई एफ पी, ये कोण है थीटा। अब क्योंकि ये बहुत स्मॉल है, ई एफ एलिमेंट बहुत स्मॉल है, तो इसीलिए ये थीटा है, तो हम इसको भी क्या कंसिडर कर सकते हैं, इसको भी हम कंसिडर कर सकते हैं थीटा, ठीक है। तो अब हम लगाएंगे बायो सेवर्ट का नियम, इस पी बिंदु पर डेल्टा एल ये वाला जो एलिमेंट है, इसके कारण जो चुंबकीय क्षेत्र होता है डेल्टा बी, वो हमने लिया म्यू जीरो अपॉन फोर पाई आई डेल्टा एल साइन थीटा, और नीचे लेते हैं डिस्टेंस, वो यहाँ पर एक्स है, तो एक्स स्क्वायर आई डेल्टा एल साइन थीटा अपॉन एक्स स्क्वायर। अब अगर हम ये डायग्राम देखें तो आई डी एल आई डेल्टा एल साइन थीटा, तो यहाँ पर डेल्टा एल और साइन थीटा जो है वो किसके इक्वल आया, वो इक्वल आया ई जी। साइन थीटा किसके बराबर होता है, साइन थीटा होता है बराबर लंब बटे कर्ण के, ठीक है। तो लंब क्या है, यहाँ पर लंब है ई जी और कर्ण क्या है डेल्टा है, तो ई जी बराबर ई जी बटे डेल्टा एल साइन थीटा, ये बराबर आया। तो डेल्टा एल साइन थीटा किसके बराबर आया, ये बराबर आया ई जी के, और ई जी किसके बराबर है। अब अगर हम ये वाला डायग्राम देखें, पहले हमने ये त्रिभुज लिया था, अब हम लेंगे ई पी जी वाला त्रिभुज, तो यहाँ से जो ई जी है वो किसके बराबर आया, ई जी हमें निकालना और ये हमें पता है, तो ये बराबर आ गया एक्स डेल्टा फाई के। तो यहाँ पर जो आई डेल्टा एल साइन थीटा अपॉन एक्स स्क्वायर है, वहां पर डेल्टा एल साइन थीटा का जो हमारे पास मान आया वो क्या मान आया, एक्स साथ में डेल्टा फाई, एक्स और नीचे एक्स स्क्वायर, एक्स से एक्स कट गया, तो सिर्फ क्या बचा डेल्टा फाई, म्यू जीरो अपॉन फोर पाई आई डेल्टा फाई और अपॉन साथ में क्या आया एक्स। अब हम यहां से एक्स का मान निकालते हैं, ये एक्स का मान जो है, अब हम कौन सा त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज क्यू ई पी, यहां से एक्स, एक्स बराबर किसके आएगा, एक्स है कर्ण, तो आधार बटे कर्ण, आधार क्या है आर, कर्ण एक्स बराबर किसके होता है कॉस के, और ये इस त्रिभुज में कौन सा एंगल है कॉस फाइ, तो कॉस जो आर का मान आया हमारे पास, और हमें निकालना है एक्स का मान, तो एक्स बराबर क्या आएगा
एक्स बराबर आएगा आर बटे कॉस फाई। अब फिर से देखिए, पहले हमने क्या रखा है यहाँ पर, डेल्टा एल साइन थीटा का मान एक्स डेल्टा फाई, एक्स से एक्स कट गया तो आया आई डेल्टा फाई अपॉन एक्स। अब एक्स का मान जो हमारे पास आया आर अपॉन कॉस फाई, वो यहाँ पर रखते हैं आर अपॉन कॉस फाई। तो डेल्टा बी इज इक्वल टू म्यू जीरो अपॉन फोर बाई आई कॉस फाई डेल्टा फाई अपॉन आर। अब यहाँ पर इसमें हमने ये जो लंब खींचा है, इससे जो हमारी ये लेंथ है तार की, ये इनफाइनाइट नहीं है, ये फाइनाइट है सी और डी के बीच में। इस पी बिंदु से यहाँ वाला कोण फाई वन ले लेते हैं और ऊपर वाला कोण जो है वो फाई टू ले लेते हैं। ये जो हमने निकाला है डेल्टा बी, ये एक स्मॉल एलिमेंट के लिए निकाला है चुंबकीय क्षेत्र। पूरे तार के लिए जो चुंबकीय क्षेत्र निकलेगा वो कैसे निकलेगा, इसको इंटीग्रल कर दिया जाएगा। बी इज इक्वल टू म्यू जीरो अपॉन फोर पाई आई अपॉन आर को बाहर निकाल लेते हैं, कॉस फाई डेल्टा फाई और लिमिट फाई वन से फाई टू तक। तो कॉस फाई का जब इंटीग्रल किया जाता है वो इक्वल आता है साइन फाई के, म्यू जीरो अपॉन फोर पाई आई अपॉन आर बाहर है, कॉस फाई का बन गया साइन फाई और लिमिट्स फाई टू से फाई वन तक। लिमिट्स जब रखेंगे फाई टू से फाई वन तक लिमिट है, बट फाई वन जो है वो नीचे की तरफ बना हुआ एंगल है, इसलिए क्या लेंगे यहाँ पे माइनस। और लिमिट्स रखते हैं तो क्या करते हैं, ऊपर वाली लिमिट में से नीचे वाली लिमिट को माइनस कर दिया जाता है। एक तो फाई टू माइनस फाई वन करना है हमें, प्लस यहाँ फाई वन के साथ माइनस भी है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो साइन फाई टू माइनस साइन माइनस फाई वन, तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस म्यू जीरो अपॉन फोर पाई आई अपॉन आर साइन फाई टू प्लस साइन फाई वन। ये आया मान बी के लिए, ऐसी ऋजु रेखीय धारावाही चालक जिसकी लंबाई हमें पता है। बी इज इक्वल टू म्यू जीरो अपॉन फोर पाई आई अपॉन आर साइन फाई वन प्लस साइन फाई टू। मैंने आपको जो बी की दिशा निकालने के लिए दाएं हाथ की हथेली का नियम बताया था, अब अगर हम यहाँ पर दाएं हाथ की हथेली का नियम लगाएं, तो डायग्राम एक बार दोबारा देखते हैं। धारा बह रही है ऊपर की तरफ और जिस बिंदु पर हमें चुंबकीय क्षेत्र निकालना है वो है राइट साइड पे, तो धारा के लिए अंगूठा और ये जो है उंगलियां इस तरफ, ठीक है। तो उसमें जो मैंने आपको नियम बताया था वो ऐसे था नियम कि धारा ऊपर की तरफ और चुंबकीय जिस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र निकालना था वो इस तरफ, तो जो चुंबकीय क्षेत्र था वो ऊपर की तरफ लग रहा था। अब इसको हाथ को घुमा दो, धारा ऊपर की तरफ, उंगलियां क्योंकि पॉइंट अब इस तरफ है, तो जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी वो किस तरफ होगी, अब नीचे की तरफ होगी, पहले ऊपर की तरफ थी अब नीचे की तरफ होगी। अब यहाँ पर कुछ कंडीशंस हैं, विशेष स्थितियां दी हुई हैं। पहली स्थिति क्या है, पहली स्थिति ये है कि अगर फाई वन और फाई टू दोनों ही 90 डिग्री तो क्या होगा, साइन 90 साइन 90 दोनों ही प्लस हो जाएंगे, 1 और 1 2 हो जाएगा, 2 और ये 4 डिवाइड करेगा, तो जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, म्यू जीरो अपॉन 4 पाई, यहाँ से 2 का कैंसिल आउट हुआ 2 पाई और साथ में आई अपॉन आर। और अगर हम फाई वन को तो ले लें नियर अबाउट पाई बाई 2 यानी कि 90 और फाई टू को ले लें 0, तो रिजल्टेंट क्या आएगा, म्यू जीरो अपॉन फोर पाई आई अपॉन आर, वहां पर म्यू जीरो अपॉन टू पाई आई अपॉन आर और यहां पर म्यू जीरो अपॉन फोर पाई आई अपॉन आर। मतलब दोनों ही कंडीशन में जो चुंबकीय क्षेत्र है बी जो है आई यानी कि धारा के अनुक्रमानुपाती होगा और आर के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब ये टॉपिक आपका कंप्लीट है, आपको इसी बायो सेवर्ट नियम का जो अनुप्रयोग है नेक्स्ट, वृत्ताकार धारावाही कुंडली की अक्ष के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र, ये अपने आप करना है, फिर इससे आगे मैं आपको कराऊंगा।